एवरीवन, मेरा नाम विनाश। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रोम ब्राउजर और एंड्रॉयड सिस्टम के बारे में। जी हाँ, क्रोम ब्राउजर अपडेट करने जाते हैं या एंड्रॉयड सिस्टम आप प्ले स्टोर में जाते हैं अपडेट करने के लिए, सारा एप्लीकेशन तो अपडेट हो जाता है लेकिन क्रोम ब्राउजर और ये एंड्रॉयड सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट नहीं होता है। तो किस तरह से हम एंड्रॉयड सिस्टम और क्रोम ब्राउजर अपडेट करेंगे आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोगों को बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ऑल कीजिए ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप क्रोम ब्राउजर नहीं अपडेट करते हैं तो क्या क्या इफेक्ट आपका मोबाइल पर पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको लिखा हुआ आएगा कि आप अगर क्रोम ब्राउजर अपडेट नहीं करते हैं आधा घंटा का, तो सबसे पहले तो आप लोगों को नोटिफिकेशन में आएगा अगर आप आधा घंटा के अंदर क्रोम ब्राउजर और एंड्रॉयड सिस्टम अपडेट नहीं करते हैं तो आपका फोन ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने से आपका फोन में इफेक्ट थोड़ा पड़ेगा मोबाइल में, जैसे आप रिसेट मारते हैं तो वैसे ही इफेक्ट आपका पड़ेगा अगर क्रोम ब्राउजर आप अपडेट नहीं करते हो। तो आप लोगों को उस ऐप यहाँ पे आप लोगों को चेतावनी दी जाती है कि आप क्रोम ब्राउजर को अपडेट कर लीजिए। तो आप जाते हैं प्ले स्टोर में, आपका जो है क्रोम ब्राउजर नहीं अपडेट होता है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को आसानी से बताएंगे कि किस तरह से क्रोम ब्राउजर अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना लंबा किए हो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ प्ले स्टोर ओपन करके। तो यहाँ पे मैं अपना प्ले स्टोर ओपन करके दिखाता हूँ जो यहाँ पे अपडेट जो हो प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन कर लिया हूँ। प्ले स्टोर करने के बाद यहाँ पे जो देख सकते हैं, यहाँ पे गाइस मेरा जो है अभी यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। और अपडेट पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे नहीं हो रहा है अपडेट। यहाँ पे स्टॉप का ऑप्शन है, यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो आप लोगों को करना क्या है, अपना जो सेटिंग है। तो चलिए मैं आप लोगों को होम स्क्रीन पर जाकर के आपको सेटिंग का बताता हूँ। सेटिंग पर अपना क्लिक करना है। सेटिंग पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे की ओर आएंगे, यहाँ पे ऐप मूवमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे ऐप लिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। आपका दूसरा फोन होगा तो दूसरा जैसा आएगा तो यहाँ पे आपको सर्च का आइकन मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको सर्च कर लेना है। क्या करना है, यहाँ पे कर लीजिए सर्च क्रोम। तो क्रोम सर्च करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे स्टोरेज पर क्लिक करना है और इसको जो है क्लियर कर लेना है, क्लियर चेक कर लेना है। क्लियर चेक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं, इसको भी आप लोगों को क्लियर कर लेना है। मैनेज पर क्लिक करके क्लियर ऑल छे तो इसको कर लेना है। करने के बाद आप लोगों को क्या करना है गाइस, सिंपली से बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे टू डॉट है उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्लिक कर देना है। करने के बाद यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं, यहाँ पे जो है एंड्रॉयड लिखा हुआ है, एंड्रॉयड सिस्टम, उस पर आप लोगों को क्लिक करना है। फर्स्ट वाला जो है स्टोरेज तो उस पर भी इसको वही करना है सेम, इसको क्लीन कर लेना है, आपको क्लियर चेक कर लेना है। क्लियर चेक करने के बाद आपको आ जाना है बैक। तो गाइस यहाँ पे मैं अपना बैक आ जाता हूँ। आने के बाद यहाँ पे नीचे भी आप लोगों को सिस्टम दिखाई दे रहा है तो उस सिस्टम पर क्लिक कर देना है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे सिस्टम पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसको भी आप लोगों को क्लियर ऑल डेटा कर लेना है। तो यहाँ पे क्लियर चेक कर लेने के बाद यहाँ पे आप लोगों का आ जाना है बैक। तो चलिए मैं अपना आ जाता हूँ अपने बैक अपने शायद सीधे अपना प्ले स्टोर में। तो गाइस यहाँ पे मैं अपना प्ले स्टोर ओपन करके आप लोगों को अभी अपडेट करके दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं आ गया हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑल डाटा का ऑप्शन आ गया है। गाइस यहाँ पे ऑल डाटा का ऑप्शन गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अपडेटिंग चालू हो चुका है, यहाँ पे अपडेट हो रहा है। तो ये आप लोगों को अपडेट करना है, देखते हैं कि ये अपडेट हो रहा है कि नहीं। अगर इसको लेकिन एक साथ ही ऑल अपडेट करना है, बार बार कीजिएगा तो नहीं होगा। तो इसको मैं एक ही एक ऑल अपडेट, पूरा ऑल अपडेट मतलब जो है दोनों साथ साथ ही करता हूँ, क्योंकि एक एक करेंगे तो अपडेट नहीं होगा। तो गाइस यहाँ पे मैं दोनों को एक ही साथ करता हूँ तो थोड़ा देर आप लोगों को वेट करना है, ये अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइस मैं अब यहाँ पे थोड़ा देर आप लोगों को वेट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इतना परसेंट अपडेट हो चुका है। तो यहाँ पे जो आप यहाँ पे देखिए कि क्रोम ब्राउजर अपडेट हो गया और यहाँ पे एंड्रॉयड सिस्टम भी अपडेट हो चुका है। तो इस तरह से आप अपडेट कर सकते हैं क्रोम और एंड्रॉयड सिस्टम। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया किस तरह से जो है आप क्रोम ब्राउजर एंड्रॉइड सिस्टम को आप अपडेट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का आप लोगों को वीडियो मिलते रहेगा। इस चैनल पर हर तरह के वीडियो, टेक में जितने भी तरह का वीडियो है, सब तरह के आपको इस चैनल पर वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।